खान भाई, कब तक हम लोग को यहाँ रुकना पड़ेगा? जब तक आग ठंडी नहीं हो जाएगी। क्या तू मुझ पे कोयला रगड़ ना, मुझ बढ़ जाएगी। अरे करतार, यहाँ मुझे घुटन की महसूस हो रही है। ओए किशन फिकर ना कर, कुछ ही घंटों में अंधेरा हो जाएगा, हम लोग यहाँ से खिसक लेंगे। वैसे भी किसी भी तरह आज हम लोग को यह शहर छोड़कर जाना होगा। किशन कहाँ जा रहा तू? खान भाई, बाहर जाकर आजादी की हवा को चूमना चाहता हूँ। किशन वो दरवाजा नहीं खोलेगा तू। खान भाई, खान भाई, हम लोग बुरी तरह से फंस गए। क्यों, क्या हुआ? चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया हमको। कबीर, पुलिस इधर से निकलते हैं। हाँ। भागो। हुआ है रघुवीर, मुझे बहुत दुख हुआ है, और इससे भी ज्यादा ताज्जुब, ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम्हारी जेल से भागने में कोई कामयाब हुआ है, वो भी एक नहीं, पांच पांच कैदी। टेक केयर ऑफ देम एंड आई होप दिस विल नॉट रिपीट अगेन। यस सर। शाबाश, कमाल कर दिया तुम लोगों ने। जिंदगी में पहली बार जेलर रघुवीर सिंह के इजाजत के बिना उसकी जेल से कोई बाहर निकला है। सर, अगर आपसे इजाजत मांगते तो क्या आप हमें जाने देते थे? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं कहा, इन लोगों ने मुझसे कहा था। आज के बाद इस जेल से भागने का ख्याल तुम्हारे दिल में तो क्या इस जेल के किसी भी कैदी के दिल में नहीं आएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होने के बावजूद आपने अचानक इस्तीफा कैसे दे दिया? आपने जवाब नहीं दिया। आपके इस्तीफा देने का कारण कहीं उस कत्ल के केस में आपकी हार तो नहीं? मैडम प्लीज कुछ तो जवाब दीजिए। आप लोग अपने साथ साथ मेरा भी वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझे आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। मुझे इस्तीफा देना था, मैंने दे दिया। बस क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ दिनों के लिए गायत्री को पागलखाने में रखने के लिए कहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं, घर पे भी हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। क्यों नहीं,
अब तो तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। वकालत से इस्तीफा जो दे दिया है तुमने, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था गीता कि कल तक जो कानून की पुजारन थी आज वही कानून को अपना दुश्मन समझ बैठेगी। कानून के इस पुजारिन को कानून का दुश्मन किसने बनाया ये आप अच्छी तरह जानते हैं भैया, खुद कानून ने। मुझे फांसी लगी, मैं मर गया। किशन, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। किशन, मुझे फांसी लगी। क्या हुआ तुझे? किशन, मुझे बचाओ। क्या हुआ तुझे? ए, होश में आ किशन। मैं सपना देख रहा था, मैं जिंदा हूँ। रोता रहता है साला। अबे, फांसी लगनी है, लग जाएगी। 24 घंटे में क्या 28 बार फांसी के सपने देखता रहता है। लगता है पुलिस ने झूठा केस बना दिया इनका। ये जिन्हें क्या करेंगे खून किसी का। जिला बोला अपन को। छोड़ मेरे को, वोट डालूंगा। ओए शाने, तेरी तरह अपनी पत्नी के आशे को नहीं मार डाला था इन्होंने। जानता है क्यों मारा था उस साले को? हाँ, बता ना। हम तीनों अलग अलग मजहब के अनाथ एक साथ पढ़कर बड़े हुए। जो भी रोटी का टुकड़ा हमें मिला हम तीनों ने मिल बांट कर खाया। और जानते हो हम जैसे लोगों पर क्या इल्जाम लगा कि हमारी बस्ती में मजहब के नाम पे जो दंगा हुआ वो हम लोगों ने करवाया। अपन ने चारों तरफ तबाही देखी, चलते हुए झोपड़े, आंसू, बेवा औरतें, यतीम बच्चे, देख सकता है तुम लोग? तुम्हारा हाँ कभी नहीं देख सकता। वो औरत जिसे हम मां कहते थे ना, मां खुदकुशी कर चुकी थी, इज्जत लूट चुकी थी उसकी। बस फिर हम लोगों ने सोच लिया कि जिस सफेद पोश को तुम लोग नेता कहते हो उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार डाला उसे, टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। क्या गलत किया हमने बोलो? क्या समाज से बुराई हटाने पाप है? अगर है तो हाँ, हम लोग अपराधी हैं, गुनहगार हैं। इसीलिए हर फसाद में जब तक एक ऐसा नेता नहीं मारा जाएगा ऐसे फसाद बंद नहीं होंगे, ऐसे फसाद होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे। दीवारों पर यूं लकीरें मिटाने से किस्मत की रेखाएं बदल नहीं जाएंगी और फिर दिन गिनने से दिन बढ़ नहीं जाएंगे। किशन, पहली जनवरी जिस दिन आनी है उसी दिन आएगी, न एक दिन पहले न एक दिन बाद। खान भाई, मैं अभी नहीं मरना चाहता, नहीं मरना चाहता। अभी क्यों? मैं कभी नहीं मरना चाहता किशन, मरना नहीं चाहता। खान भाई, अभी तक हम लोगों ने जिंदगी में देखा ही क्या है। ठीक बोला तू, अभी अभी जवानी में कदम रखा और मरने का भी दिन आ गया। कबीर भाई, कुछ कीजिए ना, आप तो कुछ कीजिए ना प्लीज। हे किशन, अपुन तुम लोगों से कुछ कम मजबूर नहीं है, समझा क्या? जरा सोच, अगर अपुन कुछ कर सकता तो अभी तक यहां नहीं बैठा रहता क्या? उस दिन के बाद जेलर ने पहरा बहुत बढ़ा दिया है। इस जेल की हर दीवार
हर दरवाजे को अपनी तरह मजबूत कर दिया है। किशन, यहां से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, समझा क्या? लेकिन उस नामुमकिन काम को मैं मुमकिन कर सकती हूं, इसलिए कि लोहे के दरवाजे ताकत से टूटे ना टूटे, अकल से खोले जरूर जा सकते हैं। मैं तुम लोगों को मौत के मुंह से निकालकर जिंदगी की तरफ ले जाऊंगी, मगर उसके बदले तुम्हें मेरा काम करना होगा। मैं तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं कर रही हूं, तुम्हारा साथ इसलिए दे रही हूं क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ की जरूरत है। यूं समझ लो कि एक सौदा है, तुम्हारी मजबूरी का, मेरी जरूरत का। पूछ सकता हूं वो ऐसी कौन सी जरूरत है जो हम जैसे कैदी ही आपके काम आ सकते हैं? वक्त आने पर वो भी बताऊंगी, फिलहाल इतना बताऊंगी, हर साल 2 अक्टूबर को इस जेल में जश्न मनाया जाता है। इस बार आप लोगों के लिए इस जेल में वो दिन आखिरी दिन होगा। हे हा हो, हे हा हो, हे हा हो, हे हा हो, हे हा हो,
चोली सबको मिले, अरे यार हम चोली सबको मिले। इंस्पेक्टर, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं जानी चाहिए, समझे? यस मैडम। पहले गेट खुलवाओ। यस मैडम। हवलदार, गेट खोल दो। हेलो। यस सर। क्या वो लोग पुलिस जीप में हैं? हवलदार, गाड़ी निकालो, पीछा करो उनका। आजादी से सांस ले सकते हैं। ओए रब करे, अब वो जेलर हमें कभी पकड़ ना पाए। सच बोलता है यार, अगर जेलर ने अपन को नहीं पकड़ा और गॉड की मेहरबानी रही तो अपना बाकी का कलाइ मस्ती में कटेगा। क्या बोलते हैं बिड़ू? We'll be right back.
चलना। पुलिस की नजरों से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ दिन में भी कोई आता जाता नहीं। आसपास के बस्ती वालों का ये कहना है कि ये भूतों का डेरा है। भूतों का डेरा? नहीं नहीं, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। दुनिया में कोई भूत प्रेत कोई जंगली जानवर इस इंसान नाम के जानवर से ज्यादा खतरनाक नहीं होता। नुकसान तो सिर्फ जीते जागते इंसान ही पहुंचाते। ये तुम लोगों का कमरा है, तुम्हारे खाने पीने का सब इंतजाम मैं कर चुकी हूं, बस अपने हाथों से पकाकर खाना होगा। एक बात और, मेरी जरूरत का सारा सामान मेरे कमरे में मौजूद है, तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे किशन, ये 20 साल बाद पिक्चर का लोकेशन नहीं लगता तेरे को? खान भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये राज क्या है और हमें यहां पे क्यों लेके आई, बताओ ना खान भाई। जीरा गोली की फैक्ट्री खोलने लाई है। क्या बोला तू, जीरा गोली की फैक्ट्री? अबे जीरा गोली की फैक्ट्री में अपन लोग क्या करेंगे? अबे लल्लू, जो औरत हमको इतना खतरा मोल लेके यहां पे लाई है, ये जगह, ये राशन, वो झाड़ियों वाली गाड़ी याद है? कोई बहुत बड़ी प्लानिंग लगती है, मामूली बात नहीं है। मेरे को लगता है अपन को फांसी के फंदे से इसलिए बचा कर लाई है ताकि अपन को आराम से खुली हवा में मरवा सके। ओए ठीक कह रहे हो कबीर भाई, चलो उठ। मुझे भी लगता है इसने कोई बहुत बड़ा सोता रहता साला डेंजर काम सोच कर रखा है हमारे लिए। उसने सोचा है ना, हमने तो नहीं। की बात कर रहा है, जिस आतंकवादी का ये ट्रक है ना, उसे अगर पता चल गया कि तू उसके डब्बों में झांक रहा है तो अपना सब कुछ बाका हो जाएगा। तू ठीक कह रहा है केविन, पुलिस के चक्कर से बचने के लिए अगर अपन इन आतंकवादियों के चंगुल में फंस गए ना तो लेने के देने हो जाएंगे, बहुत लफड़ा हो जाएगा। वापस चले आए, क्या समझते हैं आप लोग
जेल से निकलकर अपना फांसी का फंदा वही छोड़कर आए हो। शायद आप लोग नहीं जानते, यहाँ आकर भी मौत आप लोगों के सर से टली नहीं है। यहाँ से भागने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक जेल की तरफ जाता है जहाँ पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह आपकी तलाश में है, और दूसरा रास्ता मौत की तरफ जाता है जहाँ इतने बड़े गैर कानूनी धंधे चलते हैं कि अनजान आदमी को देखते ही गोली मार देते हैं। अगर आप लोग मेरा साथ छोड़कर गए तो जिंदगी आप लोगों का साथ छोड़ देगी। अपना एक मकसद पूरा करने के लिए आप लोगों को जेल से आजाद करके यहां लाई हूं। मैं वादा करती हूं, मेरा मकसद पूरा होते ही आप लोगों को आजादी मैं ही दिलवाऊंगी। किशन, ये गन मुझे दे दो, आगे हमारे काम आएगी। होकर तूने ये शादी की बाजी मार ही ली गीता। क्या करूं गायत्री, मुझे तेरा और मेरे भैया का हाल देखकर बहुत तरस आता है। मेरी डोली तेरे घर जाएगी, तभी तो तेरी डोली इस घर में आएगी। हाँ चल हट। सच कह रही हूँ गायत्री, ये समाज सेवा छोड़ अपना घर बसा ले, वरना जिंदगी भर कुमारी रह जाएगी। शादी तो करनी है, बस इंतजार तो इस बात का है कि एक बार थनकपुर गांव में वो डैम बन जाए, जिस काम का बीड़ा मैंने उठाया है वो पूरा हो जाए। ओफो गीता, अरे भाई बातें बंद करो, बाहर चलो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। भैया मैं आपकी जल्दी समझ सकती हूँ, लेकिन लेकिन जरा तैयार तो होने दो। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, मैं जल्दी इसलिए मचा रहा हूँ कि बाहर सारे मेहमान आ गए, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा अच्छा, आप सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ आए थे? जी नहीं जी नहीं, मैं साथ साथ में ये भी देखने आया हूँ कि कहीं हमारे मेजर साहब चोरी छिपे खिड़की से सबसे पहले हमारी बहन के पास तो नहीं आ गए। गायत्री भाई, मैंने तो सुना था कि ये फौजी लोग वक्त के बड़े पाबंद होते हैं, क्या टाइम हुआ है? ये मेजर कहाँ रह गया? मेजर, अरे क्या हुआ अर्जुन को? अरे क्या हुआ मेजर को? भैया, भैया डॉक्टर को बुलाओ। ये आपको क्या हो गया भैया? जल्दी बोलिए भैया, खून, ये खून कैसा? भैया बोलिए भैया। गायत्री मेरी बहन। नंदिन गाड़ी निकालो, आओ आओ मेजर, हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं जलर, अब बहुत देर हो चुकी है। गीता, गीता इधर आ, गीता you
गीता, होनी को कौन टाल सकता है? ए बस क्या गीता, बस क्या। मेजर अर्जुन ऐसे ही मर जाएगा क्या? अरे दिलवाले हैं और दिलवाले तो दुल्हनिया लेकर ही जाएंगे। आजा जप्पी पा, ठंड पे गई। अर्जुन, तुझे फौज में किसने मेजर बना दिया? अरे तुझे तो किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए था। आई एम सॉरी जेलर, आई एम सॉरी। ए गायत्री, मुझे माफ कर देना। एक मिनट गीता, आई एम रियली सॉरी। देखो मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ, नाक पकड़ता हूँ, देखो तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। गीता 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 मुझे माफ कर दो ना। अरे यार मैं क्या करता, मालूम है मैं तो वक्त पर आ रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी मुठभेड़ कुछ आतंकवादियों से हो गई और मुझे मालूम था कि अगर मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया तो आप लोग बहुत नाराज होंगे, तो आपकी नाराजगी को कम करने के लिए मैंने थोड़ी सी एक्टिंग कर दी बस। अरे आई एम सॉरी गीता, मुझे माफ कर दो। देखो सब लोग देख रहे हैं, मंगनी की रस्म पूरी कर लो। आज के बाद अगर दोबारा कभी ऐसा मजाक किया तो याद रखना जिंदगी भर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हाँ I'm sorry। अपनी किस्मत पर नाश कर रहा हूँ कि तुम्हारी जैसी हसीन मैं जबी से मेरी मंगनी हो गई। अर्जुन प्लीज धीरे बोलो। धीरे क्यों, मैं कोई पारसी बाबा हूँ क्या? ए, पारसी बाबा को डरपोक समझता है क्या? दिखता नहीं है तीन बच्चा पैदा किया है? ठीक तो बोला, मम्मी से तो डरते हो। वो तो रात को डरता हूँ, दिन में थोड़ी डरता हूँ। समझ में नहीं आता मेरा पारा तुम जैसे से क्यों पड़ गया। खुशकिस्मत हो इसलिए। ओहो, वो क्या है ना, हमारे जैसे जवान मर्द इस दुनिया में बहुत कम है। ओ, अपने मुंह से अपनी तारीफ। हाँ। दूसरों से बुलवा दूं? नो 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 प्लीज थैंक यू। अरे नहीं नहीं, पूछ लेते हैं यहीं पर है। अरे नहीं गीता, पूछ लेते हैं यहीं पर बैठे हुए हैं सब। अरे अरे भाई साहब, मैडम मैडम, ये मेरी होने वाली बीवी जानना चाहती है कि मैं हैंडसम हूँ कि नहीं, बताइए इनको। अरे तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। देखा गीता, इनसे भी पूछ लेते हैं। अरे बताइए ना। अरे नहीं नहीं, पूछ रहे, पूछ। एक ग्लास बियर पीते हो और 20 पैक का नशा हो जाता है तुम्हें। चलो 20 पैक का नशा तो तुम्हारा ये हुस्न है। ज्यादा रोमांटिक बनने की कोशिश मत करना प्लीज। चलो बैठो। कोशिश? अरे रोमांस तो मेरी नस नस में भरा हुआ है। मैं तो बचपन से ही रोमांटिक हूँ गीता, और जानती हो जब मैं 80 साल का भी हो जाऊंगा ना तो तुम्हारे लिए ये गाना गाऊंगा। ओ मेरी जहरा जबी तुझे माल, अरे गाइए ना, तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। शर्मा क्यों रही हो, अब सुंदर तो तुम हो ही। वो पंजाबी में कहते हैं ना, बादशाह, वो पंजाबी में क्या कहते हैं? ओ सोनी कुड़ी का के। हाँ सोनी कुड़ी, मैं तो हूँ पागल मुंडा, तू है मेरी सोनी कुड़ी। गीता, ए सोनी कुड़ी। तू है मेरी सोनी कुड़ी।
शादी की है। तुम कोई दुनिया के पहले मर्द नहीं हो जिसने शादी की है। तो क्या हुआ अगर पहला मर्द नहीं हो? शादी तो पहली है ना। अर्जुन छोड़ो, मुझे तैयार होने दो। छोड़ो। अरे क्यों तैयार हो रही हो, कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, कोई आने वाला है। कौन? तुम्हें क्यों बताऊं? कौन आने वाला है? है मेरा कोई अपना। तुम्हारा अपना? कौन है? जिसे मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ। प्यार करने लगी हो? कौन है गीता? वही जिसके बदन की खुशबू मैं अपने रोम रोम में महसूस करने लगी हूँ। ए गीता, ये सुबह सुबह क्या मजाक कर रही हो तुम? अगर मैं कहूँ मैं मजाक नहीं कर रही हूँ तो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन है। मैं नहीं बताऊंगी गीता। नहीं गीता। नहीं। ए बताओ ना गीता। बताओ। क्या? नहीं नहीं नहीं। यस सर। सच सच सच। देखो ए गीता सच। एक ट्राई और करते हैं, शॉट ट्विंस हो जाए। हाँ ए गीता।
आयुष्मान भव, यशस्वी भव। लागो अंकल। ये चलो राहुल, आओ। अमालको सत्रियाकाल। जय भोलेनाथ बख्शी। नागराज जी, मेरे बच्चे की हालत बड़ी खराब है। डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन के लिए शहर जाना होगा। राहुल, इसे 10,000 रुपए दे दो। जय हो मालिक। भाई, तुम्हारे घर के छत को कुछ हो गया था, ठीक हो गया? जिनके सर पर आपकी छत्र छाया हो मालिक, उनके सर से छत कौन छीन सकता है? आप ही के लोग तो बनाकर गए हैं। जय भोलेनाथ। आप जैसा देवता इंसान अगर इस गाँव में ना होता तो ना जाने हम गांव वालों का क्या हाल होता। देखो भीमा, हम कोई देवता नहीं है, आपकी तरह बिल्कुल साधारण इंसान है। ये तो भोलेनाथ की कृपा और उनकी महिमा है, देने वाले वो हैं, हम तो सिर्फ बांटने वाले हैं। पास्कल। आपकी कृपा अपुन पे थोड़ा कम है मालिक। थोड़ा सा फाइनेंस हमको भी मिल जाता तो अपुन अपना छोटा सा होटल बड़ा बना देता ना। ये तुम्हारा छोटा सा जो होटल है ना, ये होटल नहीं, शराब खाना है। ये जितना छोटा रहे उतना ही अच्छा रहेगा। हाँ, जिस दिन तुम्हारी बेटी की शादी होगी उस दिन निसंकोच हमारे पास चले आना, हम बाप बनकर इसकी विदाई करेंगे। जय भोलेनाथ। ये आपको इस बेटी के लिए भी करना होगा मालिक, सहनी हो गई है, सोचता हूँ इसके हाथ पीले कर दूं। इसकी चिंता तो हमें होनी चाहिए रामू काका, आपको नहीं। बस आप वर ढूंढिए और इसकी शादी की तैयारियां कीजिए। जी हाँ मालिक। राहुल जी। अंकल, 20,000 रुपए दे दो इन्हें। जी। जय भोलेनाथ। ये ले। क्या बात है, दिखते नहीं आजकल, है कहां? क्यों? जल्दी चलो राहुल बेटे, हमें पास के गांव के मंदिर में भी पूजा करने जाना है। आया अंकल। पकड़। हेलो मिस्टर ब्रिगेडियर। हेलो। 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 आप लोगों को यहाँ पहुँचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नागराज साहब, कोई खास नहीं। राहुल बेटे, जरा सैंपल दिखाओ। आइए देखिए। ब्यूटीफुल, वेरी गुड। नागराज साहब, आप ऐसी और कितने गन्स हमें सप्लाई कर सकते हैं? इंटरनेशनल मार्केट में हथियारों के सबसे बड़े व्यापारी हैं नागराज जी, अगर ये चाहे तो दुनिया के हर एक आदमी के हाथ में हथियार दे सकते हैं। वेरी गुड। आप लोग अपना एडवांस जमा करा दीजिए, माल आपको परसों शाम तक मिल जाएगा। ओके सर। पंचम, उन लड़कों का पता चला जिन्होंने हमारे ट्रक को उड़ा ले जाने की कोशिश की थी? नहीं नागराज, मेरे ख्याल से गांव के बाहर से आए हुए कुछ छोटे मोटे चोर थे, फरार हो गए। सर, ये सब उस ट्रक ड्राइवर की वजह से हुआ, मैं उसे आपके पास ला ही रहा था मगर आपके डर से रास्ते में उसने अपने आप को गोली मार ली। और तुम जिंदा हमारे सामने चले आए। गोडाउन में सही सलामत माल पहुंचाने की जिम्मेदारी उस ड्राइवर की नहीं, तुम्हारी थी, इसीलिए हर महीने हम तुम्हें इतनी बड़ी तनख्वाह देते हैं। इस जगह को अपना गढ़ बनाने के लिए हमने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी है, और हमारे यहां जो गलती करता है उसे भी कुर्बानी देनी पड़ती है। पंचम, इसकी लाश को उठवाकर सरहद के उस पार फेंकवा दो। राहुल, तुम्हें एयरपोर्ट जाना होगा। जी अंकल। पूछोगे नहीं किस लिए? क्यों अंकल? आज बॉबी अमेरिका से वापस आ रही है। बॉबी
में मिलाए लगे उस। अबे बंदर के बच्चे, मुझे देखे क्या मिलेगा, दे जा। अबे बंदर भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, आप नाराज हो गए। मैंने थोड़ी सी बेइज्जती क्या की आपकी, आप मेरी इज्जत निकाल रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे कपड़े छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, अरे बंदर भाई मेरे कपड़े तो छोड़ दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप जा जा रहे। अरे बंदर भाई, मैं आपको एक डजन केले खिलाऊंगा, दो डजन दाल अपने सर पे फोड़ूंगा। आपको बताइए बंदर से मेरे कपड़े तो दे दे। तो यू ब्लडी फूल, तेरी हिम्मत, तूने इनके सर से स्कार्फ निकाल लिया। हिम्मत और जुर्रत ने दोस्त, मजबूरी है। मजबूर तो तू अब होगा जब नागराज जी तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। ले चलो उसको। नहीं लेके जा रहे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे मैडम, मैडम आपने मुझे बचाना, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कौन है ये बदतमीज? डैड, इसी ने बॉबी की चुनरी उतारी थी। जानबूझकर नहीं उतारी साहब। सरकार, आप मुझे सबसे शरीफ आदमी लगते हैं। इससे पहले कि वो कसाई नागराज मेरी बोटी बोटी कर दे उस राक्षस से, आप ही मुझे बचा लीजिए ना प्लीज। मैं आपको बहुत दबाता हूँ, प्लीज बचा लीजिए। इसके हाथ पांव तोड़कर इसे हवेली के बाहर फेंक दो। हाँ बच्चे, हमारा ही नाम नागराज है। नो, नो, नो। पूरा नाम बोल। नागराज जी, ले जाओ इसे, ले जाओ। ये बेइंसाफी है, ये जुर्म है। एक चुनरी के लिए मेरा हाथ पांव तोड़ देंगे। मैडम प्लीज समझाइए ना उनको। डैडी, डैडी ये क्या कर रहे हैं आप? ये उस वक्त जिस हालत में था, इसके पास उसके सिवाय और कोई चारा नहीं था। मेरे हाथ पांव मत तोड़िए। अरे प्लीज डैडी, छोड़ दीजिए ना इसे प्लीज। तू कहती है तो छोड़ देता हूँ। थैंक यू, छोड़ दो इसे। फिर क्या हुआ, क्या हुआ? वो मुझे देखती रह गई, मैं भी उसे देखता रह गया। वो मेरे पास आई और कहने लगी, किशन आई लव यू, आई लव यू सो मच। किशन। यस। फेंकना थोड़ा सा कम कर दे। खान भाई, मैं फेंक रहा हूँ। खान भाई फेंक तो मुझे वो लोग रहे थे। फेंक रहे थे? मेरा मतलब फेंक रहे थे मुझे उस लड़की पर। बार बार मैं उठ रहा था, बार बार मुझे उस लड़की के पास बिठा रहे थे। मेरा तो दिमाग एकदम सटक गया, मैं तो जा ही रहा था। अरे, अरे, ए, जाकर आगे बोलना, आगे बोल। पता है क्या हुआ? क्या हुआ, क्या हुआ? उस लड़की ने अपनी हवेली में अपने डैडी के आंखों के सामने प्यार की निशानी के तौर पर मुझे अपनी चुनरी निकाल कर दे दी। यही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसका घर कहाँ है? क्या घर? चल मेरे साथ घर। अबे करतार, आ तू। अरे यार जल्दी आना। आया। हाँ। अरे हवेली बोल, हवेली, महल, राजमहल, तुझे देखना है। हाँ? वो देख, एक दिन यार तुम चारों लोग मुझे मिलने भाई पे आओगे। यार मेरी लाइफ तो एकदम सेट हो गई। किशन, आज के बाद तुम उस हवेली की तरफ नहीं जाओगे। क्यों? उस आलिशान हवेली की बुनियाद गरीबों की लाशों पर रखी गई। किशन, ये रोशनी नहीं, मासूमों के खून के धब्बे हैं। आइंदा तुम उस हवेली की तरफ कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं, याद रखना। अरे टेरिफिक, क्या लड़की है यार। बंदर भाई, यार आप ऐसे ही केले खाते रहोगे या मेरा काम करने का भी सोचोगे? देखो, काम ज्यादा मुश्किल नहीं है यार। कल तूने किशन के कपड़े चुराए थे ना, बस
आज इसके कपड़े चुराने। तू इसके कपड़े चुरा और मैं तुझे डांटूंगा। नहीं नहीं, मतलब झूठ मूठ डांटूंगा। तू नाराज क्यों होता है? मेरा थोड़ा बहुत काम बन जाएगा यार। और हाँ, गॉड से प्रेयर भी करूंगा कि आपको एक अच्छी सी प्यारी सी बंदरिया मिल जाए। हाँ? अरे वाह, इसको तो आइडिया पसंद आ गया बॉस। या! अरे मेरे कपड़े, अरे वो बंदर! एक्शन! मेरे कपड़े! अरे बंदर रुक, अरे कहाँ जा रहा है मेरे कपड़े? रुक जाओ, भाग के कहाँ जा रहा है? बंदर होके इंसानों के काम करता है, भोली भाली लड़कियों के कपड़े चुराता है। कपड़े देते वापस। मेरे होते हुए गांव की लड़कियों को छेड़ेगा तू? गॉड, ये कपड़े पहन लीजिए ना। मैं ये साड़ी मैं यहाँ से लटका देता हूँ, तो उस तरफ मैं बंदर का ख्याल रखूंगा और आगे इस तरफ कपड़े बदल लीजिएगा। ठीक है जी। आपको गांव में पहले तो कभी नहीं देखा, परदेसी हो? हाँ हूँ तो परदेसी, घूमने आया था यहाँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि यही बस जाऊं। वो क्यों? क्योंकि ये गांव ही इतना सुंदर है, और इस गांव से भी ज्यादा सुंदर इस गांव के लोग हैं। आइए, आपको घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं, अगर मुझे गांव में आपके साथ किसी ने देख लिया तो हजारों बातें हो जाएंगी, और मेरे डैडी वो तो तुम्हें गोली से मार देंगे। अच्छा, और अगर मैं तुम्हारे डैडी के पास तुम्हारा हाथ मांगने गया तो? हाय, तुझे तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। तुम लोग का खानदान आपुन को एकदम पोषण दे रहे हैं। हम लोग सब यही हैं, तो आज ही कुछ हो जाता तो क्यों रीटा? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? देखो, कौन है लोग आता? देखो ना। है? कौन है आप? धनजी राव, भिकाजी राव पाटिल। लेकिन आप है कौन? मी? चाहेला ओढ़कता नहीं क्या? केविन का बाप? बाप? चाहेला बाप को पहचानता नहीं? विवा? अरे सकू तू? स्वामी तुम्ही? देवा 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 देवा, तुम्हें जिंदा? अभी तक जिंदा? और तेरे को क्या लगा सकुरानी कि मैं 1-2-3 हो गया? इसलिए तू दूसरा लगीन किया? क्या अतक काय सांगू, क्या बोलू? कोई ना बते, 20 साल पहले जो भूचाल आया था ना, तुम तो मेरे से बिछड़ गया। मैं तो अकेली रह गई थी ना, और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा, जिसको पालने के लिए सिवा ने जेम जैसा मुझे पति दिया, जिसने मुझे समाज में मान दिया, मोहब्बत दिया, और न जाने क्या क्या दिया। अगर जेम से ही होता ना, तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ दर बदर की ठोकरे खाती। सोक्कू भाई, कोल्हापुर की रानी, बहुत हो गया, बहुत हो गया। तुमने क्या समझा, तुम फिर से आप उनको गधा बनाएगा? ए पास्कल, तेरा मतलब क्या? ये ले पकड़। अबे यार क्या करता है तू, एक संतरा नहीं संभाल सकता, अब मेरी शादी कैसे होगी? बंदूक। धनाजी राव, भिकाजी राव, पाटिल राव, अभी बोल रहे हैं। पास्कल, इसे बंदूक कहते हैं, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। अगर ये चल जाए ना तो खोपड़ी उड़ जाती है। आप उनको किधर संतरा उड़ाने का है, आप उनको खोपड़ी चुड़ाने का है ना? चलो अभी इसे प्यार से छोड़ दे। छोड़ू? पास्कल, क्या है कि आप उनके भाई ने तेरी छोकरी को पसंद किया है, अभी लफड़ा नहीं चाहिए, समझा क्या?
चल रहे। ये लीजिए आपके अंगूर। मेलिया पास्कल अंकल, ये मेरा आइडिया नहीं था, मुझे माफ कर देना, बाय। अरे ये कमाल करता है मरे, ये रिश्ता मांगने को आता है, वो भी दादागिरी से। भैया ये खत मैं आपको इसलिए लिख रही हूँ कि राखी का दिन आ रहा है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगे, हो सकता है मेरी राखी आपको भूल ना करे, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं अपनी किस मजबूरी की वजह से आपके पांचों कैदियों को मैंने फरार करवाया है। इतना वादा करती हूँ भैया, अगर अपना मकसद पूरा करने के बाद भी जिंदा रही तो अपने आप को कानून के हवाले जरूर कर दूंगी, आपकी बदनसीब बहन गीता। ये फाइल इस बात का खुला सबूत है कि उन पांचों कैदियों को तुम्हारी बहन ने फरार करवाया है और तुमने उसकी मदद की है। जेलर रघुवीर, अब तुम इस लायक नहीं रहे कि जेल की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी जाए। यू आर नॉट ओनली सस्पेंडेड, यू आर डिसमिस्ड। ओए तू यहां क्या कर रहा है, चल भाग यहां से, भाग। मैं उन दोनों की तरह तेरे चक्कर में नहीं आने वाला, भाग भाग जा यहां से, नहीं तो यही तेरी टिबरी टाइट कर दूंगा, चल। अरे देख, ओ तो ये बात है, किसी लड़की की जान खतरे में है। कौन है तू? चल गया यहाँ से, जानता नहीं कौन हूँ मैं? हाँ, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, जानने का भी नहीं है। शुक्रिया, आप सही वक्त पर आ गए, वरना आपका वक्त सही था इसीलिए मैं आ गया, वरना मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था आपकी मदद करने का। फिर आपने? मैं लाख बुरा सही, लेकिन फिर भी मैं किसी पर जुल्म होता नहीं देख सकता। कौन कहता है आप बुरे हैं, मेरे लिए तो किसी देवता से कम नहीं है आप। होने देना, होने
एक फिल्म वाला दावा है जाना तेरे यार का। दिल में कुछ होने लगा, होने देना होने देना, चैन मेरा खोने लगा, खोने देना खोने देना। किस खुशी में दिन में भी शराब पी जा रही है? अरे खान भाई, हमारे दोस्त करतार हमें छोड़कर जा रहे थे, अब नहीं जाएंगे इसी खुशी में। ये तेरे को तू पास्कल ये ले। ए, क्या है रे है? तुम अगेन आ गए रे मेरे बार में है? उस दिन तुमने मेरा बंदूक छीन लिया, लेकिन आज जब ओए पास्कल, आज अपन कोई रिश्ता विश्ता नहीं लेके आया, समझा क्या पास्कल? अपन दारू पीने के लिए आया और फोकट में दारू पीने के लिए नहीं आया, कैश लाया रोकड़ा पैसा, समझा क्या? पैसा देगा? अरे आज का दिन तुम मेरे को क्या पैसा देगा है? आज का दिन हम सब लोगों को फोकट में दारू पिलाएगा ताकि अक्का बरस सब लोग खूब पिए और हम सबका पॉकेट खाली करता रहे करता रहे करता रहे। इसलिए आज का दिन हम दुश्मन को भी माफ कर देता है। अपन को भी माफ कर दिया? हाँ? अरे थैंक गॉड, मतलब अपना रिश्ता पक्का। अरे पास्कल अंकल, जरा ये तो बताओ आज का दिन इतना खास क्यों है? क्या पूछता है मैन, अरे आज का दिन साल का पहला दिन मरे। पहला दिन क्या? फर्स्ट जनवरी मरे। तू दारू पीता रे, कैलेंडर का तो पता ही नहीं तेरे को। पहली जनवरी, हाँ, लटकने वाला दिन। अगर आज के दिन हम लोग वहां होते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, स्वर्ग में बैठे शराब पीते। अरे वो सब तो ठीक है पन, अब उनकी लाइफ का तो दी एंड हो गया होता ना। तू सच बोला केविन, हम लोगों को गीता जी का शुक्र मनाना चाहिए। आज के बाद हम सब लोग जितना भी वक्त जिएंगे ना, गीता जी का एहसान मानेंगे। एहसान जिनर? लेकिन ये एहसान चुकाने के लिए मैं तुम लोगों को मौका नहीं दूंगा। खबरदार, जो किसी ने भागने की कोशिश की, क्या समझते थे तुम लोग कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? अरे अगर तुम लोग पाताल में भी जाकर छुपते तो मैं तुम्हें वहां से भी ढूंढ निकालता। वो वर्दी जो मेरी शान थी, जिसके लिए मैं जीता था मरता था, तुम लोगों के जेल से भागने की वजह से मेरी वो वर्दी उतर गई और अब मैं तुम लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर ही अपनी वो वर्दी पहनूंगा। जेलर साहब, आप 5 मीटर की वर्दी पहनने के लिए हम 5 लोगों की जान ले लेंगे। शट अप! मेरी बहन गीता कहां है?
नहीं मालूम। अच्छा नहीं मालूम, खैर कोई बात नहीं, अपनी बहन का पता मैं तुम लोगों से बाद में जेल में भी उगलवा लूंगा। अब चलो चलो। अरे धक्का काय को मारता है साले। मूव, दरवाजा खोल। चल मैं दरवाजा खोलता हूं। अंदर बंद कर दूं? समझ ले, जिसे भी गोली लगेगी वो गिरेगा तेरी तरफ, और अगर इस वैन में तेरी तरफ वजन जरा से भी बढ़ गया तो ये वैन जाएगी सीधी खाई में। अपना फर्ज पूरा करने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो इसका मुझे दुख नहीं होगा। आज पहली तारीख है, तुम लोगों की फांसी का दिन, और आज के दिन तुम मरोगे फांसी पर लटक कर या पहाड़ से गिरकर। केविन, तू खोल ताला, ये गोली नहीं चला सकता। केविन ताला खोल। अरे चला दे। खोल। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर आपको विश्वास नहीं आता तो अपने आदमी से पूछ लो, ये तो वही मौजूद था जी। किशन कहां चले गए थे? कितनी बार आप लोगों को समझाया कि इस तरह आप लोगों का आजादी से घूमना ठीक नहीं है? बस्ती में किसी ने पहचान लिया या पुलिस ने देख लिया तो क्या करोगे? जान से जाओगे? मैं यहाँ कब से खत लेकर बैठी हूँ और तुम में से किसी का पता ही नहीं। खत? ये खत किसके लिए गीता जी? अपने भैया को, इतवार को राखी है ना। घबराओ नहीं, यहाँ का पता नहीं लिखा है, और तुम भी इसे किसी दूसरी जगह से पोस्ट कर देना। ये लो। खान भाई, किस जगह से खत पोस्ट करें जो ये जेलर साहब को मिल सके? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चुपचाप नीचे आ जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। भाई लोग, अपन को तो बाहर कुछ लफड़ा लगता है, इनको रोकना होगा। तुम नीचे आती हो या मैं ऊपर आऊं? अभी तो ये
छोड़। नहीं खान भाई, क्या समझती वो अपने आप को? समझती क्या है वो अपने आप को? कठपुतली हम उसके हाथों में, हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। केविन, खान बिल्कुल ठीक बोल रहा है, आज हम उसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। हट। नहीं खान भाई, वो अपन के साथ कुछ भी कर सकती है। आप उनको दुश्मनों के सामने निहत्ता कुत्तों की तरह मरने के लिए छोड़ सकती है और आप उन कुछ नहीं करेगा? हाँ बोल, बहरी हो गई क्या पुत्र? चिल्ला चिल्ला के गला फट गया हम लोगों का, तुझे गुनी आता उसको गिरी। केविन छोड़ दिए। केविन, केविन तेरे को बोला ना, हमला कर दा रहा। हाँ हाँ, बोली के पकड़े समझे क्या हम लोगों को? आज तेरा वो हशर करूंगा कि तू आइंदा किसी मर्द की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी। क्यों रुक क्यों गए? क्या करना चाहते हो? जान लेना चाहते हो? जान लेना चाहते हो? इसे छोड़ना चाहते हो? करो, जो करना है करो। इससे अच्छा मौका तुम्हें कहां मिलेगा? इतनी बेबस औरत और कब हो सकती है? तुम दोनों को फांसी के फंदे से बचाकर जिंदगी देने की सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। ये मेरी पुतली नहीं, मजबूरी थी जो आज मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकी। ये बंदूक मैं तुम्हें देने ही वाली थी, लेकिन लेकिन वो उसी वक्त बात मत आना। मैं तुम लोगों को गुनहगार नहीं, इंसान समझ कर लाई थी यहां। विश्वास तोड़ दिया है तुम दोनों ने मेरा। मैं तुम लोगों की शक्ल तक देखना नहीं चाहती। चले जाओ यहां से, चले जाओ। पिताजी की हालत बहुत खराब है किशन। जल्दी से बस्ती जाकर किसी डॉक्टर या दाई को लाना होगा। जल्दी चलो। बहुत मार लगी है क्या? बहुत दर्द हो रहा है क्या? तू इतना खुश क्यों है रे? कौन, मैं? मैं तो बहुत दुखी हूँ। इतना हंस क्यों रहा है? कौन मुस्कुरा है? हाँ? मैं रो रहा हूँ। तुम्हें मुस्कुराता नजर आ रहा हूँ? नहीं नहीं, वो क्या है, मेरे फेस के साथ एक प्रॉब्लम है। जब मैं हंसता हूँ ना तो रोता हुआ लगता हूँ, और जब मैं रोता हूँ तो लगता है कि मैं हंस रहा हूँ। मेरा फेस ही वैसा है। क्या है, मैं जब पैदा हुआ था ना तो लोगों ने मेरे को देख के बोला, अरे क्या अजीब बच्चा पैदा हुआ है, रोने के बजाय हंस रहा है। लेकिन मैं रो रहा था।
लेकिन तुम लोगों के साथ बहुत बुरा हो गया। दर्द हो रहा है क्या? जितना बुरा हम लोगों के साथ हुआ है ना, उससे बुरा तो उन लोगों के साथ होगा, समझे? चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बचने ना पाए। जाओ डैड, यहां कोई भी नहीं है। लगता है भाग गए साले, उड़ा दो सारी जगह को। इसी को किस्मत कहते हैं खान। अगर वो पास क्लब उनको सही टाइम पे नहीं बताता और यहां नहीं लाता तो अपन लोग भी उस जगह के साथ उड़ जाते। उड़ी गए होते तो अच्छा होता, कम से कम इस शर्मिंदगी के साथ हमें जीना तो नहीं पड़ता। कबीर, गुस्से और जज्बात में आके हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर ली है। हम बहुत बड़ी गलती कर बैठे कबीर। जी आप देखिए, वो दोनों हम लोगों से कैसे दूर दूर अलग अलग रहने लगे हैं। किशन ठीक कह रहा है गीता जी, वो दोनों अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा है। अब तो उन्हें माफ कर दीजिए प्लीज। माफ कर दो उन लोगों को, माफ कर दो जिन्होंने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं, कितना नीचे गिर सकते हैं। गीता जी, हम जानते हैं उन्होंने बहुत घटिया हरकत की है, लेकिन गलती तो इंसान से ही होती है ना। हाँ, इंसान समझकर मैं उन्हें यहाँ अपने साथ लाई थी ताकि मैं नागराज से अपना बदला ले सकती। नागराज ने मेरी खुशियों में आग लगा दी, मेरा सारा सुख चैन छीन लिया। अर्जुन से शादी करके मैं कितनी खुश थी। भाई साहब, ये बैंगन, ये गाजर और ये गोभी दे दीजिए आधा आधा किलो। ओए कद्दू नहीं लेंगी? ओ ले 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 बेबे, ये मेजर अर्जुन सिंह की खास पसंद है। ओ बेबे अर्जुन सिंह की ले 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 ले। अर्जुन, ओए सोनियो, मैं तेनु बहुत प्यार कर रहा मुलाई मार के। पागल हो गए क्या? अच्छा कद्दू नहीं तो मेनू तो ले जा। ओए ओए सोनियो, माजी माजी नहीं आजी, मला माहित आहे अर्जुनला कद्दू खूब आवडतो ना। कल काय काय म अर्जुन, मी तुझा प्रेमी, हा कद्दू घेऊन टाक फुटतात, ले जा ले जा, घ्या घ्या घ्या। अरे लुगाई को नहीं खिलाया कद्दू तो हमका मार मार के हमारे कद्दू खा जाते हैं। अरे क्या अर्जुन, कौन अर्जुन, कैसा अर्जुन, हम किसी अर्जुन को नहीं जानते। अरे भाई साहब बोलो ना। नहीं जानते अर्जुन को, मैं नहीं बात करूंगी। गीता गीता सॉरी, मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी 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 भाई, जाइए जाइए, ये हमारी बीवी है। अच्छा, घर में जाकर रोमांस करो ना, मार्केट में क्या हल्ला मचा रखा है। चलो घर चलो, कौन से मार रहा है। शराब शराब, तुम यहां से जाना नहीं। हेलो मेजर अर्जुन सिंह। यस सर, रिपोर्ट थानापुर इमीडिएटली। यस सर, आई विल रिपोर्ट टुडे सर। थैंक यू सर। ब्रिगेडियर साहब का फोन था, फॉरेन ड्यूटी पे बुलाया होगा। ठीक है तो तुम जाओ। हे जान, तुम क्या समझती हो, तुम्हें छोड़कर जाने को मेरा जी चाह रहा है, लेकिन क्या करूं,
ननकपुर में टेररिस्ट एक्टिविटीज फिर से बढ़ गई और इमरजेंसी में मुझे बुलाया है। ए, ए, जान, जान। तुम इस तरह नाराज होगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। देखो मैं कोशिश करके एक हफ्ते में वापस लौट आऊंगा। चलो 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 अभी मुस्कुरा दो मुस्कुरा दो। ये हुई ना बात। अभी देखो मेरे जाने के बाद मेरे अच्छीकू बच्चीकू कच्चीकू का ख्याल रखना। क्या अच्छीकू बच्चीकू कच्चीकू क्या होता है? ये हमारे मिलिट्री वालों के कोड वर्ड्स हैं। अच्छा अच्छीकू मतलब अच्छा मेरी तरह, बच्चीकू मतलब बच्चा इसकी तरह, और कच्चीकू मतलब चांद से प्यारा तुम्हारी तरह। अब बहुत हो गया मजाक। अरे एक सीरियस बात सुनो। क्या? कई महीने हो गए गायत्री को धनकपुर गए हुए। कई उसके इंतजार में मेरे भैया बुढ़े ना हो जाए। धनकपुर जा ही रही हो तो उसे कहना अगर गांव वालों के लिए डैम बना लिया हो तो प्लीज घर जल्दी वापस आ जाए। इसकी बातों पर मत जाना, जो तुम्हारे पास है सब खो दोगे। और एक बात सुन ले लड़की, धनकपुर में कोई डैम वैम नहीं बनेगा, ये तू अच्छी तरह समझ ले। डैम नहीं बन सकता? दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद गवर्नमेंट से ये कागजात पास करवाए हैं और आप कहते हैं कि यह डैम नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्या आप नहीं चाहते कि धनकपुर गांव स्वर्ग बने, यहां की मिट्टी सोना बने, यहां के किसान कच्ची मिट्टी के घरों के बजाय पक्के घरों में रहने लग जाए, यहां पे फैक्ट्रीज खुले और हर इंसान को काम मिले, कोई भी इंसान रोटी रोजी से मोहताज ना हो? तू कहना क्या चाहती है? यहां के लोग खुशहाल नहीं है? शांत राहुल बेटे शांत। तो जो कुछ भी कहना चाहती है मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं गायत्री। इस गांव की खुशहाली और इसकी तरक्की के लिए अगर हमें अपना महल भी गिराना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, मगर बरसों पुराने इस शिव के मंदिर को किसी भी हालत में हम डूबने नहीं देंगे। लेकिन ये मंदिर तो पहाड़ी के ऊपर है, ये कैसे डूब सकता है? इस गांव में डैम बने उससे हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर उस डैम के दीवारों ने जवाब दे दिया तो जानते हो क्या होगा? डैम के पानी के जोर से सारा का सारा गांव बह जाएगा, ये मंदिर टूटकर पानी में डूब जाएगा, सबके सब तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा हो? नहीं, हमें डैम नहीं मंदिर चाहिए, मंदिर। जय भोलेनाथ। अब यहां खड़ी क्यों है? सुन लिया ना तूने सारे गांव का फैसला? दीवार पर सर मारने से क्या फायदा, तेरा सर ही फटेगा, तू जा। सर फूटने का अगर डर होता तो इस काम का बीड़ा मैं अपने सर नहीं लेती। एक बात याद रखना, अगर भोले भाले गांव वालों को भड़काना आसान है तो उन्हें समझाना भी कोई मुश्किल नहीं। इस गांव में डैम जरूर बनेगा। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे। इन गुंडों के हाथों मुझे यहां पर जबरदस्ती लाकर तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है कि तुम कोई साधु नहीं बल्कि साधु के रूप में वो शैतान हो जिसने अपने फायदे के लिए इस गांव में कभी डैम बनने नहीं दिया। बहुत बोलती हो तुम, अफसोस हमें सुनने की आदत नहीं। भोलेनाथ की तीसरी आंख है हम, और जब ये आंख खुलती है तो जिंदगी मौत में बदल जाती है। इसका वो हशर करो कि आइंदा कोई ऐसी गुस्ताखी करने की जुर्रत ना करे। डैम बनवाइए। हाँ गांव आबाद करके हमें बर्बाद करना चाहती है? रो मत गायत्री, रो मत, अब तेरा भाई आ गया है।
अपनी जान की बाजी लगाकर जो फौजी सारे देश की मां बहनों की इज्जत की रक्षा करता है, आज तूने उसी फौजी की बहन को हाथ लगाया है। रोहन, तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। आप नहीं जानते हैं नागराज। जान गया, अब जान गया, यही है वो देशद्रोही, वो आतंकवादी जिसके आदमी सरहद पर स्मगलिंग करते हैं। नागराज, तू सिर्फ मेरी बहन का ही नहीं, मेरी मां का भी गुनहगार है, उस मां का जिसे हम भारत मां कहते हैं। हरामजादे, इसी की कोख से जन्म लेकर इसी के सीने को अपने हथियारों से छलनी कर रहा है तू। जय भोलेनाथ। मर गया। सरहद के पार फेंक दो इसकी लाश को। देश का एक सच्चा सिपाही आतंकवादियों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया। जय भोलेनाथ।
आज ये चांद कहाँ खोके रह गया, बादलों से निकल ही नहीं रहा। चाहिए आप लोगों के इस तरह का मजाक करते हुए, इनकी तो आदत है मुझे हमेशा तंग करने की। अरे आज करवा चौथ है, सुबह से मैं भूखी प्यासी इनकी लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही हूं, और आप लोग भी इनके साथ मिलकर इस नाटक में शामिल हो गए। आज मजाक के भी हद हो गए। चलिए अर्जुन जी उठिए, बहुत हो गया मजाक। अर्जुन अर्जुन प्लीज उठो। अर्जुन मैंने पहले से ही कहा था दोबारा ऐसा मजाक करोगे मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ये सब क्या लग रखा है। चलो अर्जुन उठो। अर्जुन नहीं उठोगी तो मैं जा रही हूं। अर्जुन आज करवा चौथ है, आज के दिन ऐसा मत करो प्लीज। देखो मैं रो पड़ूंगी। अर्जुन अर्जुन प्लीज, अर्जुन प्लीज उठो। पिता भैया अर्जुन अब कभी नहीं उठेगा। भैया आप भी इनके साथ मिलकर मैं आप लोगों की बातों में नहीं आने वाली हूँ। नहीं गीता ये सच है। भैया बस क्या भैया अभी चुप। और अर्जुन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अर्जुन अर्जुन चलो। मेजर अर्जुन सिंह का कत्ल धनकपुर में हुआ, लेकिन उनकी लाश सरहद पर पाई गई। फिर आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि उनका कत्ल नागराज ने ही किया है? क्या उसका कोई चश्मदीद गवाह या कोई ठोस सबूत है आपके पास? सबूत है मलॉर्ड, सबूत है कि लड़की जिसने अपने भाई का कत्ल करते हुए इस नागराज को अपनी आंखों से देखा है। मलॉर्ड वकील साहिबा शायद इस बात को भूल रही है कि अदालत पागलों की गवाही को नहीं मानती, और ये लड़की बिल्कुल पागल है जिसका सबूत मैं ऑलरेडी आपको पेश कर चुका हूँ। ये झूठ है मलॉर्ड, ये झूठ है। ये पागल नहीं थी बल्कि अपने भाई की मौत देकर इसका ये हाल हुआ है, ये झूठ है। अदालत को इस बात से कोई मतलब नहीं कि ये लड़की पागल थी या हो गई। आप सिर्फ ये बताइए कि ये लड़की पागल है या नहीं। Oh, my God.
गायत्री नहीं गायत्री लेकिन ये लड़की तो कुछ भी नहीं बोल पा रही। इस लड़की की हालत ने सब कुछ बोल दिया मैं सब कुछ बोल दिया। लेकिन कानून हालात पर नहीं सबूत पर गौर करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ऐसा कोई भी गवाह और सबूत इस अदालत में पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि मेजर अर्जुन सिंह का कत्ल नागराज ने किया है। लिहाजा यह अदालत नागराज को बाइज्जत परी करती है। अब कानून हमें तुम सिखाओगी? दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हम चाहें तो तुम्हें अभी इस पेशे से डिसमिस कर सकते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं मिलॉर्ड। आपके फैसले ने कानून पर से मेरा विश्वास उठा दिया। आप मुझे क्या डिसमिस करोगे? किस पेशे से मैं खुद रिजाइन करती हूँ? मुबारक हो वकील साहब, मुबारक हो। थैंक यू। आइए चलिए। देखा गया। शांत पंचम शांत। किसियानी बिल्ली है, खंबा तो नोचेगी ही। आज इसने तुम्हारे मुंह पर तमाचा मारा है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये अपने ही हाथों से अपने ही मुंह पर तमाचा मारेगी। जो मर गया उसके गम में क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रही है? मेरे नाम का एक मंगलसूत्र अपने गले में डाल ले, रानी बनाकर रखेंगे हम तुझे। अपनी छोटी जीत पर इतनी खुशी मत मनाना नागराज। तो सिर्फ कानून की अदालत से बचा है, लेकिन मेरी अदालत में तो कल भी गुनेगार था और आज भी है। कानून से ना इंसाफी शायद इसीलिए हुई है कि तेरा इंसाफ मैं अपने हाथों से कर सकूं। तेरी मौत किसी और के हाथों नहीं, मेरे हाथों होगी, सिर्फ मेरे हाथों। में तो हो तुम, ये क्या कर रही हो? छोड़ दो भैया। नहीं गीता, छोड़ दो मुझे। तुम्हारा पति मर चुका है, ये संदूर नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। उन राक्षसों ने सिर्फ मेरे पति के शरीर को छीना है, उनकी यादों को नहीं। वो जिंदा है, वो जिंदा है। मेरे दिल में, मेरी सांसों में, मेरे आत्मा में, मेरे रोम रोम में। तुम जानती हो कि अगर तुमने ये मंगलसूत्र पहना तो लोग क्या कहेंगे? अगर नहीं पहनेंगे तो वही लोग कहेंगे कि तुम खूबसूरत हो, जवान हो, तुम्हें सहारे की जरूरत है, हमारे रखेल बन जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ भैया, आज मेरी सोनी मांग को देकर उन पापियों के मन में पाप जागा है, और जब तक मैं अपने सुहाग को छीनने वाले लोगों की जिंदगी ना छीन लूं। इस मंगलसूत्र को नहीं उतारूंगी, नहीं उतारूंगी, मैं नहीं उतारूंगी। मेरे पति की चिता की आग अब भी मेरे सीने में दहक रही है, और अब इस आग को मैं बुझने नहीं दूंगी।
मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, हमारे होने वाले इस बच्चे की कसम खाती हूँ, इस आग में उन पापियों को जलाकर राख कर दूंगी मैं। उस दिन विधवा होने के बावजूद भी मैंने मंगलसूत्र पहना और कसम खाई कि उस नागराज से उसकी जिंदगी छीन लूंगी। जेल में मेरी नजर तुम पांचों पर पड़ी, मैंने देखा तुम लोग भी जुल्म के शिकार हो, जालिमों से नफरत करते हो। मुझे अंधेरे में उम्मीद की किरण नजर आई, मेरे दिल ने कहा कि मेरे होश के साथ अगर इनका जोश मिल जाए तो एक आर्मी बन सकती है, एक ताकतवर आर्मी जिसके जरिए मैं उस राक्षस से लड़ सकती हूं, उसका मुकाबला कर सकती हूं, उसे तोड़ सकती हूं। मगर इन दोनों ने मुझे तोड़ दिया, फिर एक बार किस्मत ने मुझे हरा दिया, किस्मत ने मुझे हरा दिया। पंचम, यह औरत हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, कुछ भी करो मगर जल्द से जल्द पता लगाओ कि गीता और उसके साथियों का अड्डा कहां है। ठीक है।
ये बात तो अपन के समझ में आ गई खान भाई कि गीता जी अपन से नफरत करती है, इसलिए अपन से उस बच्चे को दूर रखती है। लेकिन एक बात अपन के समझ में नहीं आई खान भाई, तेरे को उस बच्चे से इतना लगाव क्यों है? कबीर, मैंने कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा। सच्चाई और ईमानदारी को हमेशा मैंने अपना धर्म, अपना ईमान माना। मैं टैक्सी चलाता था, जो थोड़े बहुत मुट्ठी भर पैसे कमाता उसी में खुश था। मैं सिर्फ अपने छोटे खान, अपने बच्चे की सूरत देखना चाहता था। मैं अपनी औरत को अस्पताल लेकर जा रहा था, रास्ते में अचानक उन लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला था कि उन्होंने मेरे शंकर काका का खून किया है। उन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरी औरत को बड़ी बेरहमी से मार डाला कबीर। हाँ कबीर, मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई, मेरे बच्चे को मेरी औरत की कोख में उन्होंने मार डाला। मार डाला मैंने उन हराम सड़क को। ले लिया मैंने अपनी औरत की मौत का बदला, कर दिया अपने आप को कानून के हवाले, हो गई मुझे फांसी की सजा, मुझे दुख नहीं हुआ। कबीर, मैं इतना कभी नहीं टूटा था जितना आज टूट चुका हूं। इस बच्चे में मुझे अपना बच्चा नजर आता कभी, इस बच्चे में मुझे अपना बच्चा नजर आता कभी। औरत जब इस बच्चे को मुझसे दूर रखती है, मुझे इसे छूने नहीं देती, मेरा खून मेरी आत्मा खोल उठती कबीर। मुझे समझ में आता मैं क्या करूं, मेरी समझ में आता मैं क्या करूं कबीर। क्या मैं इतना बुरा इंसान हूं कि मैं छू भी नहीं सकता? नहीं खान, नहीं। खान, खान। चुप कर खान, संभाल अपने आप को। तू बुरा आदमी नहीं है खान, तू बुरा आदमी नहीं है। बुरा तो मैं हूं खान। पैसा कमाने के लिए मौत का सौदा करता था, इस देश के दुश्मनों और आतंकवादियों को बम बनाकर बेचता था। हर एक दिन उन्हीं लोगों ने मेरे ही बनाए बम से मेरी ही बस्ती को उड़ा दिया। हर सबसे पहले उजड़ने वाला घर कोई और नहीं, मेरा अपना था। 13 लोग थे उस घर में, किसी की लाश तक नहीं मिली। तब जिंदगी में पहली बार पता चला कि जब कोई अपना मरता है तो कलेजा कैसे फटता है। खान, खान, अगर हम चाहें तो इस बच्चे को हम गले लगा सकते हैं, ये बच्चा हमारी गोद में खेल सकता है। हाँ। कैसे कबीर, कैसे कबीर, कैसे? तू एक बार बता, इस बच्चे के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं कबीर। खान, जान देनी नहीं, जान लेनी होगी, जान लेनी होगी। नहीं बचेगा तू। मार, मार खान, मार। घूम जा रहा दोनों को, मार जा रहा जान से। Thank you.
तू खाट भाग। मैंने निकाली थी क्योंकि उस शैतान का खात्मा मेरे हाथों होगा। उसे सिर्फ मैं मारूंगी, तुम लोग नहीं। बैठो। चौबीस घंटे के अंदर अंदर गीता और उसके पांच साथी मेरे सामने होने चाहिए, वरना मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी। और तुम अच्छी तरह जानते हो नागराज की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है। जाओ। ये क्या अनर्थ हो रहा है? ये कौन है जिसने इस गांव की बरसों पुरानी परंपरा को तोड़ दिया? हाँ भाई साहब, कई बरसों से इस मंदिर में सिर्फ नागराज जी और उनके पुरखों ने तो पूजा की है। आज से नागराज के कहर से कोई नहीं बचा सकता। इजाजत के बगैर हमारे पुरखों के मंदिर में कदम रखने की जरूरत की। तू? हां मैं। याद है मैंने कहा था कि तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। आज वो दिन आ गया नागराज। तू भूल गई हमने तुझसे क्या कहा था? मर गए नागराज को मारने वाले। तो जानती नहीं शिव की कितनी बड़ी कृपा है नागराज पे, और तू उसे मारने के लिए शिव के ही मंदिर में चली आई। तेरी मौत के लिए ये जगह इसलिए चुनी है नागराज कि तेरी आंखें बंद होते ही सारे गांव वालों की आंखें खुल जाएं, कि जिसे वो शिव का सबसे बड़ा भक्त मानते थे वो कितना बड़ा पापी और नीच था। औरत को गिरफ्तार कर लो। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ले जाओ उसे। माल को हमें मालूम था कि ये औरत यहां पर जरूर आएगी, इसलिए सारी तैयारियां करके आया हूं। हमारे देवता समान नागराज जी पर हमला करेगी, उन चार अंगरक्षकों की हत्यारण है तू, यहां से बचकर नहीं जाएगी। हटाओ इसे। शुक्र मना आज तू बच गया नागराज, लेकिन याद रखना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरा अंत मेरे हाथों ही होगा हरामजादे। हेलो, तुम सारे पुलिस वालों को लेकर कहीं चले जाओ फौरन। मुझे पूरा पुलिस स्टेशन खाली चाहिए। गीता और उसके साथी कानून के तो बाद में, पहले हमारे मुजरिम हैं। अब उनसे पहले हम हिसाब चुकाएंगे। उन्होंने आज जो ये हिम्मत की है उसकी उन्हें सजा मिलेगी, और वो सजा कानून नहीं मैं दूंगा, मैं अपने हाथों से दूंगा। वैसे तो औरत मेरी कमजोरी है,
लेकिन मैं आज तेरे साथ प्यार का नहीं नफरत का सुलूक करूंगा। मर्द का बच्चा है तो एक बार सिर्फ मेरे हाथ खोल दे, तुझे खुद पता चल जाएगा कि औरत तेरी कमजोरी है या तू औरत से कमजोर है। शरीफ जादी, हमारे नागराज साहब, जानती है कौन है वो? हाँ, इस देश के सबसे बड़े उग्रवादी, असला बारूद के सबसे बड़े व्यापारी, उन पे हमला। तूने जो हम सबको जख्म दिए हैं, आज उन सारे जख्मों को सूद समेत वापस करूंगा तुझे। पता तेरे बाकी के साथी कहाँ हैं? बोल। अब उन यार कुत्ते। जिस बच्चे को अनाथ होने से बचाया उसे गले नहीं लगाओगे? गीता जी, आपने हमें माफ कर दिया। अगर आज भी तुम दोनों को माफ नहीं किया तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। शुक्रिया, शुक्रिया। खान भाई, मुन्ना, मुन्ना। भाभी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आज पहली बार मुझे अपने डैडी की असलियत का पता चला है गीता जी। शायद ये असलियत मुझ पे ना खुले, इसलिए बचपन से ही उन्होंने मुझे अपने से दूर रखा। लेकिन आज तक मैं दूर रह के भी अपने डैडी से इतना दूर नहीं थी जितना आज उनके करीब होके दूर हो गई हूँ। तुम्हारा दुख मैं समझ सकती हूँ भाभी, लेकिन शायद इसी को किस्मत कहते हैं कि इंसान जिसे कभी दूर नहीं रह सकता अक्सर उसी से दूर होकर जीना पड़ता है। देखा मेम साहब, ये देखिए, ये देखिए, मुन्ना आज कितना खुश नजर आ रहा है। अरे लो 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 ला 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 लोरी, दूध की कटोरी। ये इसलिए खुश है खान कि आज पहली बार इसकी आर्मी पूरी हो गई है। शायद आज पहली बार इसे लग रहा है कि इसके पिता के कातिलों को अब सजा जरूर मिलेगी। ये मुस्कुराहट नहीं, जंग का ऐलान है। उस जंग का जो इसके पिता मेजर अर्जुन सिंह ने शुरू की थी और खत्म हम करेंगे। ओ, 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 ओ,
हमारी आर्मी मानेगी न हार, हमारी आर्मी हौसले बारूदों वाले सांस में है ज्वाला, हो गई तैयार हमारी आर्मी मानेगी न हार, हमारी आर्मी सर झुकाए बैठा की शक्ल बिल्कुल बाप पर गई है, मेजर लगता है। डैडी, डैडी, खबरदार अगर इस बच्चे पर आंच भी आई तो। विदेश में पढ़ने का मतलब ये तो नहीं कि अपने बाप से बात करने की तमीज भी भूल जाओ। ले जाओ इसे। नहीं, नहीं। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़काया, मेरे दोस्त के बेटे को मार डाला, अब तुम्हारे इस बच्चे के बारे में। अगर मेरे बच्चे के जिस्म पर एक खराश भी आए ना नागराज, तो कसम है मुझे उस भगवान की जिसका भक्त है तू, तेरी मौत तुझ पर इतनी मुश्किल कर दूंगी कि मरने से पहले 100 बार मरेगा तू। मर गए नागराज को मारने वाले। ए, बांधो इन हरामजादों को और टाइम बम लगा दो। बाकी सबको काल कोठी में डाल दो। बॉबी को भी। नहीं डैडी, छोड़ दीजिए इन्हें। प्लीज डैडी, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए इन्हें डैडी। प्लीज डैडी, छोड़ दीजिए। चुपचाप बैठे रहो। एक बार अपुन के हाथ खुल जाए, उस नागराज के चिथड़े उड़ा दूंगा इसी बम से। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप जिंदा है? ये मेरी खुशनसीबी है और तुम लोगों की बदनसीबी है जो मैं बच गया।
जिंदा रहने के लिए मैंने मौत के साथ जंग लड़ी है हरामजादों, और मैं जिंदा सिर्फ इसलिए रहना चाहता था कि तुम जैसे कानून के मुजरिमों को कानून के हवाले कर सकूं। अपुन अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार है, लेकिन जेलर पहले ये बम तो निकालो जो नागराज अपुन को लगा कर गया है। हमें गीता और उसके बच्चे को बचाना है जेलर। गीता का बच्चा? हाँ, गीता का बच्चा, जिस मिट्टी पर गीता का सुहाग मिटा था उसी मिट्टी पर उसके सुहाग की निशानी एक नन्हे से प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया है। जेलर साहब, नागराज गीता जी और मुन्ने को उठा ले गया। जेलर साहब, वक्त बहुत कम है, अपुन को अपनी जान की परवाह नहीं जेलर, लेकिन इस महाभारत में वो शैतान नागराज मरेगा, गीता और मुन्ना नहीं। नहीं, गीता और मुन्ना नहीं। जय भोलेनाथ। तुम्हारी आर्मी खत्म हो गई, लेकिन चैन तो मुझे तभी मिलेगा नागराज, जब इसकी आर्मी के साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगी। इसकी जान इसके जिस्म से मैं इन्हीं हाथों से निकालूंगा। पंचम शांत, सब मौका मिलेगा तुम्हें, तुम ही मारोगे इसे, मगर इतनी आसान मौत नहीं। तड़पा तड़पा कर हम देखना चाहते हैं कि मां की ममता अपने बच्चे को कब तक हमारी तीसरी आंख के कहर से बचा सकती है। तैयार करो इसे और हमारे दरबार में पेश करो। Thank you.
अभिमन्यु नहीं मरेगा। दोस्तों को मारा है, अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, तुम लोग नहीं मारोगे इसे। आज ये हर हाल मेरे हाथों मरेगा। नहीं गीता जी, इसने हमारे खान और कबीर भाई को मारा है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं करतार, पीछे हटो। अरे मर गए नागराज को मारने वाले, तो जैसी लाचार औरत, एक बेबस मां और विधवा मेरा क्या बिगाड़ेगी। नागराज का डसा हुआ पानी तक नहीं मांगता। शिव की महिमा है नागराज पे। आज तेरे साथ साथ तेरी औलाद को भी मौत के घाट उतार दूंगा मैं।
यही वो तलवार है जिससे शैतान ने मेरे भैया को मारा था। नागराज, आज नहीं बचेगा तू। पाखंडी भक्त, किसी भगवान की कृपा नहीं है तुझ पर। आज मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगी। आज इसे कोई नहीं रोक सकता। इस छोटे मेजर की जिम्मेदारी तुम पर है भैया। इसे अर्जुन की तरह निडर और बहादुर बनाना। भैया, मेरी वजह से तुम्हें जलील होना पड़ा। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मुझे माफ कर देना। इस शैतान को मारकर आज मेरा मकसद पूरा हो गया। आज मैं अपने आप को तुम्हारे और कानून के हवाले करती हूं। क्या हाल है बिड़ो? अरे बेटा। अरे मीना। अरे आजा मेरे नानी। मुन्ना। मुन्ना, ये तुम्हारी मम्मी है। अपनी मम्मी से नहीं मिलोगे? मिलूंगा। क्या मम्मी? मुन्ना।
मुन्ना देखो, मुन्ना। मम्मी। देखो, ऐसा मजाक दोबारा मत करना। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। ऐसा कभी मत करना। अच्छीको बच्चीको कच्चीको सबसे प्यारी है मम्मी तू। मम्मी आई लव यू।